राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इतने दिन बीत गए और तमाम राजनीतिक दलों से लेकर आम लोगों तक यही सोच रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा कन्याकुमारी से क्यों शुरू की। तो इस तरह के सवालों से राहुल गांधी ने खुद ही पर्दा उठा दिया है। इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में मौजूद है और हिमाचल के कांगड़ा में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा खुलासा किया कि सभी सोच में पड़ गए। दरअसल कांगड़ा में राहुल गांधी ने बताया कि आखिर उन्होंने कन्याकुमारी से ही इतनी बड़ी यात्रा का आगाज क्यों किया। बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा ने अपने कार्यक्रम में पहला बदलाव करते हुए हिमाचल प्रदेश में एक दिन का समय बिताने का फैसला किया। यहां राहुल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मीडिया केवल नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाने में व्यस्त है, वो क्रिकेटर और बॉलीवुड कलाकारों का चेहरा दिखा रही है और हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं लेकिन मीडिया इसे नजरअंदाज करती है। इन मुद्दों को संसद में उठाना असंभव हो गया है। ऐसा करने पर या तो माइक बंद कर दिए जाते हैं या फिर कैमरा हटा दिया जाता है, इसलिए कांग्रेस के पास यात्रा शुरू करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था। राहुल गांधी के बयान से ये साफ हो रहा है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली क्योंकि मीडिया में बीजेपी छाई हुई थी, लेकिन अब मीडिया में जहां देखो वहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के रूट में हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं था, लेकिन वहां की नई कांग्रेस सरकार की गुजारिश पर यात्रा एक दिन के लिए हिमाचल पहुंची। अब ये यात्रा पंजाब से होते हुए गुरुवार को जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेगी। कांगड़ा में राहुल गांधी ने मीडिया का भी घेराव किया। उनका कहना था कि मीडिया में लोगों की असल चिंताओं के लिए जगह नहीं है और ये इसलिए नहीं कि मीडिया को उनकी खबर नहीं, बल्कि ये परेशानी उनके रवैये के कारण है। उन्होंने कहा कि ऐसे में विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हम मुद्दों को देश के संस्थानों, न्यायपालिका या फिर प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठा सकते थे क्योंकि वो सभी जगह बीजेपी और आरएसएस के दबाव में थे। यही सब कारण है कि हमने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। वहीं राजनीति के जानकारों का ये भी कहना है कि दक्षिण राज्यों में राजनीतिक हवा में बदलाव के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। दक्षिणी राज्यों में बीजेपी की पकड़ कमजोर है जबकि कांग्रेस की पकड़ ज्यादा है। साथ ही बीजेपी वहां के क्षेत्रीय दलों से भी दो दो हाथ करने वाली है। बीजेपी इस तरह से जोर जतन में लगी हुई है कि किस तरह से कांग्रेस का आधार दक्षिण राज्यों में सिमट जाए और भाजपा के लिए इन राज्यों में पैठ बनाने का रास्ता खुल सके। कांग्रेस ये होने नहीं देना चाहती, इसलिए कांग्रेस ने अपनी यात्रा की शुरुआत भी दक्षिण राज्यों से ही की है। कांगड़ा में मीडिया का घेराव करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि मीडिया में बेरोजगारी, नौकरियों में कटौती और अग्निवीर योजना की कमियों जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं होती। कन्याकुमारी से हिमाचल तक हमने युवाओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल डिग्री होने के बावजूद भी उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। देश में बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ गई है। संसद में बोलते समय हमारे माइक बंद कर दिए जाते थे। हम नोटबंदी, जीएसटी और अग्निपथ स्कीम पर कुछ भी कहते थे लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता था, कैमरा बंद कर दिया जाता था। न्यायपालिकाओं पर भी सरकार ने दबाव डाल रखा है, सीबीआई और ईडी भी दबाव बना रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ये सोचा है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाने की ज़रूरत है, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकालने का फैसला किया। राहुल गांधी का कहना था कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 125 लोगों के साथ शुरू की थी लेकिन आज के दौर में इसमें लाखों लोग जुड़ गए हैं। हमने युवाओं और किसानों का दर्द समझा। शुरू में लगा था कि हम थकेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी का कहना था कि देश में नफरत और हिंसा का माहौल है। हम नफरत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं तो हमारे पास एक रास्ता था, वो हिंदुस्तान के रास्ते पर निकलना। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि केंद्र सरकार की सभी नीतियों जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी और कृषि विरोधी कानून का मकसद 3-4 अरबपतियों को लाभ पहुंचाना है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी जहां राहुल गांधी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। यहां ये यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से होकर गुजर चुकी है और अब जम्मू कश्मीर में यात्रा का अगला पड़ाव है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी कई बड़े खुलासे और बयान भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा में बताया कि उन्होंने यात्रा क्यों कन्याकुमारी से निकाली और इसके क्या मायने हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।